Dear students, how are you? Today we are going to start our MCQ of Standard 11 Organic Chemistry Chapter 12. We are calling it GOC. Ask a question in the NEET. So first we will start with 2019 and watch the full video. It will be helpful to you in your NEET exam. How to solve this type of questions? The number of sigma in pi bond in pentoin 4-ion is. यहाँ पे pentoin 4-ion में sigma और pi bond कितने आ रहे हैं? Here you can see our structure pentoin. And yes, here pent क्या रहता है? Number of carbon 5. 1, 2, 3, 4, and 5. You can see reactivity of alkene का ज़्यादा आ रहा है alkene के हिसाब से. So order stood first of alkene. Yes, so here order is given lowest of alkene 2. On second position double bond आ रहा है. On fourth position triple bond. Yes, now count that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 sigma. The number of pi bonds are 1, 2, and 3. So this is our answer. Now question number second. The most stable carbocation among the following is. यहाँ पे कौन सा वाला carbocation ज़्यादा स्टेबल है? यस, वी कैन गिव आंसर विथ हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन. जिसका ज़्यादा होगा ये वाला कार्बोकेटायन, उसका नेबर कार्बन पे अल्फा वाला 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे CCA3 हो गया. सो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0, हियर अल्फा हाइड्रोजन इज 3. देन ये वाला 2+2, दोनों साइड अल्फा अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है. हियर इज 3 × 5, हियर इज ओनली 2. सो ऑब्वियसली आंसर विल बी सी. नाउ यू कैन सी अमंग द गिवन कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ ये वाला कार्बोकेटायन का नेबर कार्बन अल्फा रहता है, ये वाला भी अल्फा रहता है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 2. सो टोटल 5 हाइड्रोजन विल बी एक्सपीरियंसिस हाइपर कंजुगेशन. उसका पॉजिटिव चार्ज 3 टाइम्स यहाँ पे, 2 टाइम्स यहाँ, 5 टाइम्स चेंज होगा. सो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूटेंट्स. यस, कार्बन के साथ एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा रहेगा. सो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. सो ये वाला नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा. Itself became negative, carbon became partially positive. But in our modern periodic table, nitrogen, oxygen and fluorine, electronegativity sequence क्या रहेगा? Nitrogen से ज़्यादा oxygen का, इससे ज़्यादा fluorine का रहेगा. So carbon with nitrogen, then carbon with oxygen and carbon with fluorine. So यहाँ पे polarity ज़्यादा होगा. So ये fluorine वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट देगा. सो आंसर इज बी. कैसे डिसाइड किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर यहाँ Na2 आ रहा है. यस, हियर 2 आंसर इज ट्रू. ये भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन. सो सी एंड डी बोथ इज अवर आंसर.
सॉरी ए और बी, ए एंड बी रहेगा। नाइट्रोजन के हिसाब से ऑक्सीजन, बस सही समझाया, ये वाला ऑप्शन गलत, ए एंड बी रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन एक्सपेक्टेड मोर स्टेबल, यस यू कैन सी ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप क्या रहता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला रहता है, सो क्या करेगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, सो ये वाला कार्बन थोड़ा दूर है मेटापोजिशन पे, ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ही नाइट्रो ग्रुप आ रहा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला, सो ये क्या करेगा, उसका चार्ज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन बहुत दूर NO2 इंडक्टिव इफेक्ट दूर आ रहा है, 1 and 4 पोजिशन, यहाँ क्या है 1 और 3 पे आ रहा है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इतना इंक्रीज नहीं होगा, आंसर सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 देन sp sp, सो हियर यू कैन सी ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है sp2, ये वाला डबल बॉन्ड हैविंग sp2, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, sp sp रहेगा, आंसर इज बी हियर रहेगा। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनॉल इज, फिनॉल क्या रहता है, बेंजीन रिंग OH के साथ कंबाइंड रहेगा, सो ये वाला फिनॉल हो जाएगा, जिसका 12th का ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना, यहाँ GOC में क्या रहता है 11 और 12 का कॉम्बिनेशन रहता है, तो सम ऑफ दी एग्जाम्पल इज टेकन कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ 12 साइंस ऑल्सो, ऑर्थोपेरा एवरीबडी नोज इन द फिनॉल OH के 5 वाले कार्बन पे NO2 आ रहा है, ये वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, OH के सामने वाले कार्बन पे NO2 आ रहा है, ये वाला पेरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, सो बाय विच मेथड वी कैन सेपरेट क्रोमेटोग्राफी क्रिस्टलाइजेशन स्टीम डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन, ऑर्थो और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है डिफरेंट आर स्टीम डिस्टिलेशन, सिंस ऑर्थो वोलेटाइल ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो में क्या रहेगा OH ग्रुप NO2 के बहुत ही क्लोज आ रहा है, सो ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये वोलेटाइल हो जाएगा, पेरा में क्या रहेगा इस टाइप का इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसका लेस, ये इजीली वोलेटाइल हो जाएगा, अपना पेरा वाला पेरा नाइट्रोफिनॉल वाला कंपाउंड इजीली एवापोरेट नहीं होगा, इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, इंटर मीन्स द डिफरेंट, ये वाला हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट मोर रहता है, यू कैन सी ये वाला इंट्रा हो गया, ये वाला इंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, यस फर्स्ट वी हैव टू टेक लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 and 6, ओके यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे कीटोन, ये वाला डबल बॉन्ड, सो हाईएस्ट रिएक्टिव ग्रुप कौन सा रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा, सो
we have to start from here 1, 2, 3, 4, 5 and 6 रहेगा. सो इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा. ऑन द थर्ड पोजिशन पे कीटो आ रहा है, 3 कीटो. अदरवाइज वी कैन टेक 3 ऑन ऑल्सो. यस, ऑन सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल, सो 2 मिथाइल. 6 टाइम कार्बन, सो हेक्स. ऑन फोर्थ पोजिशन देर इज डबल बॉन्ड, सो 4 इन. एंड फर्स्ट पोजिशन पे क्या आ रहा है, आल. सो इन प्लस आल मीन्स इनाल हो जाएगा. सो ये वाला आंसर होगा इन द सेविंग, सी रहेगा. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल इट्सेल्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है और वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल, यस बीएफ थ्री रहेगा. तो इसमें क्या होगा, बोरोन का जो 3 इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया तो 6 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. सो बोरोन का 1 वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा. ये वाला न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अदरवाइज न्यूट्रल रहेगा. एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर. बी एफ थ्री में 1 लोन पेयर रहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा.